जय हिंद। हम बात कर रहे थे क्लास 9th की ज्योग्राफी के चैप्टर 5 के बारे में, और इससे पिछले वाले सेशन में हमने नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में। बेहद छोटा सा सेशन है, फटाफट से अपन देख लेते हैं। देखो, इससे पिछले वाले सेशन में हमने देखा था कि नेचुरल वेजिटेशन के मामले में, फ्लोरा के मामले में हमारी कंट्री हाईली डाइवर्स है। जब बात आती है फौना के बारे में, तो फौना के केस में भी हमारी कंट्री बेहद रिच है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं, अबाउट 2,000 बर्ड स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं, एंड दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 13% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल। फिशेज़ की अगर बात की जाए, तो 2,546 स्पीशीज़ ऑफ फिशेज़ हमारे कंट्री में देखने को मिलती हैं, एंड दे अकाउंट फॉर नियरली 12% ऑफ द वर्ल्ड्स स्टॉक। एंड हमारे कंट्री में लगभग 5 से 8% ऑफ द वर्ल्ड्स एम्फीवियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स देखने को मिलते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो फौना के मामले में, वाइल्ड लाइफ के मामले में हमारी कंट्री हाईली डाइवर्स है। फिर आगे बातचीत की गई है कुछ एनिमल्स के बारे में और वो कहाँ मिलते हैं उसके बारे में, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है या फिर इनडायरेक्टली भी ये इन्फॉर्मेशन काम आ जाती है। तो अपन देख लेते हैं, एलिफेंट्स जो हैं वो हमारे कंट्री में कहाँ मिलते हैं। आसाम में मिलते हैं, कर्नाटका में मिलते हैं, केरला में मिलते हैं। एलिफेंट्स कहाँ पर मिलते हैं? आसाम, कर्नाटका और केरला में मिलते हैं। वन हॉर्न्ड राइनो कहाँ पर मिलता है? आसाम में और वेस्ट बंगाल में। वन हॉर्न्ड राइनो कहाँ मिलता है? आसाम और वेस्ट बंगाल के स्वैम्पी और मार्शी लैंड्स में। इसके अलावा एरिड एरियाज में अगर जाओगे, जैसे थार डेजर्ट है, जैसे रन ऑफ कच्छ है, वहाँ पर मिलेंगे वाइल्ड एश, वहाँ पर मिलेंगे कैमल्स। इसके अलावा और बहुत सारे जानवर हमारे कंट्री में मिलते हैं, जैसे इंडियन बाइसन है, जैसे नील गाय है, जैसे चौसिंगा है, जैसे गेजल है, और इसके अलावा और बहुत सारे स्पीशीज़ ऑफ डियर हमारे कंट्री में देखने को मिलते हैं। मंकीज़ के बहुत सारे स्पीशीज़ हमारे कंट्री में देखने को मिलते हैं। अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो दो चीज़ें अपन याद रख सकते हैं। एक तो एलिफेंट्स कहाँ पर मिलते हैं? एलिफेंट्स मिलते हैं असम, कर्नाटका और केरला। और दूसरा, वन हॉर्न्ड राइनो कहाँ पर मिलता है? वन हॉर्न्ड राइनो मिलता है असम और वेस्ट बंगाल में। डू यू नो में बातचीत की गई है एक एक्ट के बारे में। ये एक्ट सरकार लेकर आई थी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है। क्या नाम है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। कब लाया गया? 1972 में। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री है दुनिया में जहाँ पे टाइगर्स और लायंस दोनों मिलते हैं। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज़ बोथ टाइगर्स एंड लायंस। इंडियन लायन कहाँ मिलता है? इंडियन लायन मिलता है गिर फॉरेस्ट में। गिर फॉरेस्ट कहाँ पर है? गुजरात में। इनफैक्ट ये जो गिर फॉरेस्ट है गुजरात में, ये एशियाटिक लायंस का लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडियन लायन कहाँ पर मिलता है? गिर फॉरेस्ट गुजरात में मिलता है। और टाइगर्स हमारे कंट्री में कहाँ मिलते हैं? मध्य प्रदेश में टाइगर्स मिलते हैं। इसके अलावा वेस्ट बंगाल के सुंदरवंस में टाइगर्स मिलते हैं और हिमालयन रीजन्स में टाइगर्स मिलते हैं। बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें, इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ पे लायंस और टाइगर्स दोनों मिलते हैं। इंडियन लायन कहाँ पर मिलता है? गिर फॉरेस्ट गुजरात में मिलता है। इनफैक्ट गिर फॉरेस्ट इज द लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लायन। और टाइगर कहाँ पर मिलता है? टाइगर मध्य प्रदेश में मिलता है, वेस्ट बंगाल के सुंदरवंस में मिलता है और हिमालयन रीजन में मिलता है। फिर लायन और टाइगर के अलावा लेपर्ड भी हमारे कंट्री में देखने को मिलते हैं। और ये एक जनरल बातचीत हो गई कि जो प्लेन लैंड्स हैं वहाँ पे कौन कौन से जानवर मिलते हैं। फिर अगर नॉर्थ साइड में चले जाओगे तो हिमालयाज़ में कौन कौन से जानवर मिलते हैं, और हिमालयाज़ का मतलब जहाँ पे टेम्परेचर कम है। जैसे जैसे हम हायर ऑल्टीट्यूड्स पर जाते हैं टेम्परेचर ड्रॉप होने लग जाता है, तो हिमालयाज़ में जैसे लद्दाख वाला रीजन है वहाँ पे वो जानवर मिलेंगे जो कि कोल्ड एरियाज़ में सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे लद्दाख में याक मिलता है, जैसे शैगी हॉर्न्ड वाइल्ड ऑक्स मिलता है, तिब्बतीन एंटीलोप मिलता है, फिर बाराल मिलता है, वाइल्ड शीप मिलती है, क्यांग मिलता है। ऐसे बहुत सारे जानवर जो कि ठंडे एरियाज़ में सर्वाइव कर सकते हैं वो मिलते हैं हिमालयाज़ में। हमारे यहाँ पे वाटर बॉडीज़ भी खूब हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, कोस्टल एरियाज़ हैं, और इन वाटर बॉडीज़ में टर्टल्स देखने को मिलते हैं, क्रोकोडाइल्स देखने को मिलते हैं, घड़ियाल्स देखने को मिलते हैं। बर्ड लाइफ हमारे यहाँ पे बेहद रिच है और बेहद कलरफुल है। बहुत सारे बर्ड्स मिलते हैं, जैसे पीकॉक्स मिलते हैं, जैसे डक्स मिलते हैं, जैसे पराकीट्स मिलते हैं, जैसे क्रेन्स वगैरह मिलते हैं। ऑल एंड ऑल अगर बात की जाए तो हमारी कंट्री जो है वो वाइल्ड लाइफ के मामले में बेहद रिच है। अब इस पूरे चैप्टर में हमने कुछ क्रॉप्स को सेलेक्ट किया, उनके बारे में देखा, हमने कुछ मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बातचीत की, हमने कुछ एनिमल्स के बारे में बातचीत की। ये जो एनिमल्स हैं ये हमारे लिए काम के हैं, कुछ हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, कुछ ट्रांसपोर्टेशन के काम आते हैं, कुछ को हम मीट के तौर पर खा लेते हैं, कुछ एग्स देते हैं।
तो ये जितने भी एनिमल्स हैं इनकी अपनी इंपॉर्टेंस है। फिशेस की हमने बात की और फिशेस की न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है, प्रोटीन प्रोवाइड करती हैं। बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो कि पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स में बड़ी हेल्प करते हैं, मददगार होते हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो जितने भी स्पीशीज़ हैं, चाहे बड़े से बड़ा स्पीशीज़ हो चाहे छोटे से छोटा स्पीशीज़ हो, सबका अपना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इकोसिस्टम में। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये देखने को मिल रहा है कि ये जो स्पीशीज़ हैं इनको ह्यूमन बींग्स एक्सेसिवली एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। इतना इंपॉर्टेंट रोल है इन स्पीशीज़ का, इनको कंजर्व करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बावजूद ह्यूमन बींग्स प्लांट्स को, एनिमल्स को एक्सेसिवली एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। और ये देखने को मिल रहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो स्पीशीज़ की लाइफ है वो डेंजर में है, पूरी पूरी स्पीशीज़ की लाइफ डेंजर में है। कुछ 1300 प्लांट स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि एंडेंजर्ड हैं और कुछ 20 स्पीशीज़ ऐसी हैं प्लांट की जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब कि पहले ये प्लांट स्पीशीज़ देखने को मिलती थी, अब मिलती ही नहीं है, ख़त्म हो चुकी हैं। इतना हाई लेवल का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है प्लांट स्पीशीज़ का, एनिमल स्पीशीज़ का। एनिमल्स के साथ भी यही है कि कुछ एनिमल स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि एंडेंजर्ड है, कुछ ऐसी भी एनिमल स्पीशीज़ हैं जो कि पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। और ख़तरा क्या है इनको? ख़तरा ये है कि ग्रीडी हंटर्स हैं, वो हंटिंग करते हैं, जानवरों को बिना सोचे समझे मार रहे हैं। पॉल्यूशन के लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं और पॉल्यूशन के लेवल्स बढ़ने की वजह से ह्यूमन लाइफ, प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ सबको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है। इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज़, इंसान अपने फ़ायदे के लिए बाहर से स्पीशीज़ को ले आता है और अपने इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस कर देता है, लेकिन वो जो एलियन स्पीशीज़ होती हैं उनका इकोसिस्टम पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, ये देखने की बात होती है। अगर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है तो कुछ कुछ एलियन स्पीशीज़ तो पूरी तरीके से इकोसिस्टम को वाइप आउट कर देती हैं, तो उस वजह से भी बहुत सारे जो एनिमल स्पीशीज़ हैं, प्लांट स्पीशीज़ हैं, वो खतरे में चले गए हैं। फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, बिना सोचे समझे काटा जा रहा है, कल्टीवेशन के लिए, हैबिटेशन के लिए। और ये वो फॉलोइंग रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारे प्लांट स्पीशीज़ को, हमारे एनिमल स्पीशीज़ को खतरा फेस करने को मिल रहा है। अच्छा, एक मैप दे रखा है और ये जो मैप है ये यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बेहद इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यूपीएससी में मैपिंग आती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो नेशनल पार्क्स हैं, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, ये कौन से स्टेट्स में लोकेटेड हैं। ये पूरा मैप आपके सामने दिख रहा है और इस मैप में आपको पता ही है कौन से स्टेट कहाँ पर है। तो इसको देखो, इसको एक मैप लो और उसमें पॉइंट आउट करो, मतलब अपना खुद से हाथ से मार्क करो। ये इसमें कुछ करवाने की ज़रूरत है नहीं, लिखा हुआ है। चलो एक बार अपन देख लेते हैं फटाफट से। ये डचिंगम है, ये डचिंगम कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में है। दिख ही रहा है डचिंगम कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में है। राजाजी और कॉर्बेट दोनों ही बड़े पॉपुलर हैं और दोनों ही कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में। कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में। दुधवा नेशनल पार्क, ये भी खूब पॉपुलर है और ये कहाँ पर है? दुधवा कहाँ पर है? यूपी में है। दुधवा के नीचे आओगे तो ये शिवपुरी जो है, ये शिवपुरी कहाँ पर है? शिवपुरी है एमपी में, मध्य प्रदेश में। ये तीनों सरिस्का, केवलादेव घना और रणथंबोर, ये तीनों कहाँ पर हैं? राजस्थान में है। कहाँ पर हैं? राजस्थान में है। इधर आओगे काजीरंगा और मानस, दोनों बेहद पॉपुलर हैं और दोनों कहाँ पर हैं? दोनों आसाम में हैं। इधर गोरुमारा और महानदी नेशनल पार्क, ये दोनों ही वेस्ट बंगाल में हैं। महानदी की लोकेशन देख के ऐसा लगता है कि सिक्किम में हो, लेकिन नहीं, ये कहाँ पर है? महानदी और गोरुमारा दोनों ही वेस्ट बंगाल में हैं। फिर इधर देखोगे चंद्रप्रभा, ये चंद्रप्रभा भी उत्तर प्रदेश में है। इसके नीचे राजगीर, ये जो है ये राजगीर है बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में। शिमलीपाल, ये भी खूब न्यूज़ में रहता है। शिमलीपाल कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और सबसे ज़्यादा पिछले साल जो न्यूज़ में रहा है कान्हा नेशनल पार्क, ये कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। इसके नीचे देखोगे तो तडोबा है, तडोबा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में ही संजय गांधी है, संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। गिर नेशनल पार्क, लोकेशन से पता चल रहा है कहाँ पर है? गुजरात में है। फिर संजय गांधी के नीचे देखोगे तो कवल है और पोचाराम है। ये कवल और पोचाराम दोनों कहाँ पर हैं? तेलंगाना में है। तेलंगाना में एक और है इट्यूमागरम, इट्यूमागरम ये भी तेलंगाना में है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि इसका प्रोनंसिएशन क्या है, लेकिन जो भी प्रोनंसिएशन है ये कहाँ पर है? तेलंगाना में है। शिमलीपाल उड़ीसा में है और चंडा का दामपारा ये भी उड़ीसा में है। दोनों कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ये जो गुंडी दिख रहा है ये गुंडी कहाँ पर है? ये गुंडी है तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में मुडुमलाई भी कहाँ पर है? तमिलनाडु में ही है। मुडुमलाई भी बड़ा फेमस है। मुडुमलाई कहाँ पर है? ये भी तमिलनाडु में। बंदीपुर, ये भी खूब न्यूज़ में रहता है। और बंदीपुर कहाँ पर है? बंदीपुर है कर्नाटका में। और नीचे ये पेरियार, पेरियार कहाँ पर है? केरला में। तो बड़ा सिंपल सा है, स्टेट्स तो आपको दिख ही रही हैं, बट इसको अपने हाथ से प्लॉट करो मैप में, काम आएगा ये।
इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। और दूसरा यह है कि यूपीएससी में कोई भी चीज़ आइसोलेटेड नहीं पूछी जाएगी, वो सब इंटरलिंक्ड होती हैं। तो अगर आपको बेसिक नॉलेज है, अगर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो आप चीज़ों को इंटरलिंक करके भी आंसर को ड्राइव कर सकते हो। तो ये मैप को कंप्लीट करो। हम बात कर रहे थे कि ह्यूमन बीइंग्स ने प्लांट और एनिमल्स को एज अ रिसोर्स खूब एक्सप्लॉइट किया है, तो इनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। हमारी सरकार ने फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। जैसे 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स को एस्टेब्लिश किया गया। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ये हाईली प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं और ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स के नाम दे रखें और ये नाम भी आपको पता होने चाहिए कि कहाँ पर हैं ये बायोस्फीयर रिजर्व्स। जैसे आप नॉलेज चेक कर लो, एक एक करके अपन बात करते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ पर हैं। सुंदरवंस कहाँ पर हैं आपको पता होना चाहिए। सुंदरवंस कहाँ पर हैं? सुंदरवंस हैं वेस्ट बंगाल में। फिर दूसरा है गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार तो कई बार अपन ने पढ़ा है। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पर है? गल्फ ऑफ मन्नार है तमिलनाडु, ये जो श्रीलंका और इंडियन कोस्ट के बीच में पड़ता है, गल्फ ऑफ मन्नार। नीलगिरी, ये फॉर श्योर आपको पता होना चाहिए। नीलगिरी जो है वो है तमिलनाडु और केरला दोनों स्टेट्स में। और खास बात ये है कि ये हमारे कंट्री का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया था। नीलगिरी कहाँ पर है? तमिलनाडु और केरला में। नंदा देवी, नंदा देवी आपने नॉर्मली नाम सुना होगा, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। नौकरेक, नौकरेक कहाँ पर है? मेघालय में है और बड़ा फेमस है नौकरेक। ग्रेट निकोबार नाम से ही क्लियर है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है। मानस, इसका नाम आपने फॉर श्योर सुना होगा। मानस कहाँ पर है? मानस है आसाम में। कहाँ पर है? आसाम में। कच्छ, कच्छ का भी नाम आपने सुना होगा। कच्छ जो है वो गुजरात में है। और कच्छ के लिए सबसे खास बात यह है कि इसका लार्जेस्ट एरिया है। कैसा है? लार्जेस्ट एरिया है। कैसा? लार्जेस्ट एरिया। फिर शीशाचलम, ये शीशाचलम कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। शिमलीपाल, इसकी बात अभी अपन कर रहे थे, कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। दिहांग दिबांग, ये दो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं, उनका भी नाम दिहांग दिबांग है। और दिहांग दिबांग नाम का एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। दिवरू और शिकोय, ये कहाँ पर है? ये आसाम में है। कहाँ पर है? आसाम में। अगस्त मलई, ये तीन स्टेट्स में है। कौन कौन से में? कर्नाटका में, तमिलनाडु में और केरला में। कंचनजंगा, इसका आपको फॉर श्योर पता होना चाहिए, कहाँ पर है? सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में है। पंचमरी, ये पंचमरी कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अचानक मार और अमरकंटक, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों स्टेट्स में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। कोल्ड डेजर्ट कहाँ पर होगा? ये नाम से ही क्लियर है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और पन्ना, पन्ना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। पन्ना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो देखो कि आपको कितने पता हैं, अगर नहीं पता है तो इनको मार्क करो, याद रखो, इम्पॉर्टेंट है। तो फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी सरकार ने 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स को सेटअप किया है। इसके अलावा बॉटनिकल गार्डन्स को सेटअप कर दिया सिंस 1992। ये जो बॉटनिकल गार्डन्स हैं, ये प्लांट स्पीशीज से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं और फिर रिसर्च करते हैं, देखते हैं कि प्लांट स्पीशीज को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। स्पीशीज स्पेसिफिक प्रोग्राम्स चलाए हैं सरकार ने, जैसे टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया है 1973 में, अपन पढ़ेंगे इसके बारे में आगे चलते हुए। प्रोजेक्ट राइनो चलाया है। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये राजस्थान की स्टेट बर्ड है और ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पे है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चलाया है। और बहुत सारे इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलाए हैं सरकार ने। इसके अलावा हमारे कंट्री में नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जूलॉजिकल गार्डन्स हैं। इन सब का एम क्या है? हमारे कंट्री के फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करना। और इसके साथ वाइल्ड लाइफ की बातचीत ख़त्म हो गई। आज का सेशन बेहद छोटा और सबसे इजी सेशन था। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना, और जाने से पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच।